जनता के बीच एक बार फिर जा रहे हैं जनता की से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे हम लोग जो 5 साल जनता के बीच में काम किए हैं, उनका सेवा किए हैं, उसका सेवा का मजदूरी हम लोग पुनः दें, यही अपील करेंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि अपना ब्लॉक खुला में शौच मुक्त हो चुका है, ODF हो गया है, लेकिन प्रखंड के सामने सर 10 फीट के दूरी पे पूरा एकदम शौच करके भरा रहता है, इसके विषय में आप क्या कहिएगा? ऐसा है जो बहुत ऐसे जगह है जहाँ अभी भी लोग नहीं, सर बहुत जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ हम प्रखंड मुख्यालय के गेट के पास की कर रहे हैं। कुछ जगहों पे अभी लोग पिछड़ा हुआ है, बाथरूम रहते हुए, शौचालय रहते हुए घर में भी, तभी उन लोगों का ऐसा है सिचुएशन बना हुआ जो अभी भी वो लोग बाहरी शौचालय जाते हैं। इसके लिए बार बार CRPS के माध्यम से या विभिन्न स्वच्छाग्राही के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत सुधार हुआ है, जो सुधार नहीं हो पाया उसका सुधार किया जा रहा है। थैंक यू। भैया जनता से किछ अपील करना चाहिए? जनता से अपील हम करना चाहिए जे हमरा एक बेर मौका दे, हम न्याय करब, जनता का कोनो अथी नहीं करब, जे न्याय हेते सेवा हेते सबटा सुरक्षित रहब, सेवा करें, और कुछ नहीं। वह अपील करिए कोई मौका दो के देखती। 10 साल बनाम 5 साल, जेना 10 साल से छाए थे एक आदमी, तो कनी बदल के कोशिश करवा के चाहिए जनता से, या नगिन्य वोट से चुनाव 2 बार लॉस कर गए हैं, इस बार फिर जनता के बीच में आए हैं, सबका साथ सबका विकास करने के लिए जनता के बीच में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जनता से अपील है जो सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, जो जनता का सेवक हो, रात और दिन मुखिया का काम होता है जनता के बीच में, मुखिया जा करके उसका काम करे। की नाम भ गेल? ममता देवी। ममता देवी, कौन पंचायत? ककोढ़ा पंचायत। कौन पद से चुनाव लड़े छे? समिति पद, पंचायत समिति। पंचायत समिति, जनता से की अपील करबे अहाँ? जनता हमरा मौका देथिन तो अच्छा काम करबे। और कोनो जनता के संदेश देबे अहाँ? भैया, सरकार से आयल कोनो योजना के जनता तक एकदम भली भूति ओकर निर्वाहन करबे, यदि जनता मौका देथिन तो बार बार हमें मौका देथिन, और एहन कार्य को देखेबे जे सब जनता हमें बार बार। आप अपना परिचय दें कि आप किस पंचायत से, कौन से पद से, और आपका नाम क्या है? मैं प्रमोद कुमार शर्मा, ककोढ़ा पंचायत से मुखिया के पद पे इस बार उम्मीदवार हूँ, और मुखिया के पद पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से अपील करेंगे कि विकास के मुद्दों पे वोटिंग करें, और पहले जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए नया उम्मीदवार संगठित शिक्षित को अपना वोट देकर विजय बनाने की कोशिश करें। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही करेंगे कि सच्चाई की राह पर चलिए, सच्चाई जहाँ वहाँ पे वोटिंग कीजिए, और इस बार जो नया उम्मीद है उसको जगाने की कोशिश। अपने क्या कौन पंचायत से लड़े छे? कौन पद से? मुखिया। मुखिया पद से, ठीक है भैया। आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 16 से 21 तक हम मुखिया पद पर हमारे माता जी रहे, और अपने तन मन से हम जनता को सेवा करता रहा, और इस बार भी हम जनता से अपील करता रहूंगा कि मैं इस बार भी जनता को सेवा करता रहूंगा, और जो भी हमारे काम होगा अपने पूरा तन मन से सहयोग से हम पूरा काम करेंगे। क्या इस बार लगता है आपको कि जनता आपको सपोर्ट करेगी? इस बार बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि अगले वर्ष के भांति इस बार भी बहुत ज्यादा मत से मैं जनता के सहयोग से आशीर्वाद मिलने जा रहा है, मैं इस बार भी मुखिया पद पर रहूंगा, ये जनता का आशीर्वाद है मुझे। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही संदेश देना चाह रहा हूं कि एक बार
सिर्फ एक बार और मुझे मौका मिला तो मैं जनता को इस बार दिखा दूंगा कि विकास की गंगा की तरह धारा बहा दूंगा। आप अपना नाम बताएं, किस पद से और कौन सी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम हुआ शंकर चौधरी जी, और मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जी। कौन से पंचायत से? कैथवार पंचायत। कैथवार पंचायत से जनता से क्या अपील कीजिएगा आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ जी कि विकास के नाम पे मतदान होना चाहिए जी, क्योंकि हर समाज जी, हर तबका के लोग विकास चाहता है जी, और हमारे देश में भी विकास की दौर चल पड़ा है जी, और समाज में भी विकास का ही खोज है जी। तो मैं अपने जनता भाइयों से अपील करना चाहता हूँ जी कि विकास पर जोर देकर जी अपना मतदान करना चाहिए जी, और मेरा मकसद है कि सभी वर्गों के साथ लेकर समाज का समरसता, समाज एकजुटता के साथ लेकर मैं चलना चाहता हूँ, और उस आधार से मैं चुनाव मैदान में आए हैं लड़ने के लिए, जो समाज को विकास मैं करना चाहता हूँ, और जनता भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ कि विकास के नाम पे मतदान करना चाहिए जी, और जाति पाति से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। समाज को जो भी पंचायत का मुखिया एक साथ समरसता के साथ सभी वर्गों के साथ लेकर चले और सिर्फ समाज का कल्याण हेतु काम करे, इस उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ने आया हूं कि मैं समाज को समरसता एकजुटता के साथ सभी वर्गों के अपने साथ लेकर चलूंगा और विकास की ओर मैं चलना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यही है और बाकी तो जनता मालिक है, सोचेंगे विचारेंगे। मैं सभी जनता वासियों को प्रणाम करता हूं, अपने युवा साथियों को भी प्रणाम करता हूं, माता बहनों को भी प्रणाम करता हूं, और सभी से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। मैं अपने कथवार पंचायत को विकास की ओर लेकर चलना चाहता हूं, और डेवलपमेंट पर मेरा मेन एजेंडा है डेवलपमेंट पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, यही मेरा एजेंडा है। और मैं आपको क्या कह सकता हूं? आप अपना नाम बताएं, किस पद से और कौन से पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? कौन से पद से चुनाव लड़ रहे हैं? समिति पद से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? तीसरा बार जीते भी हैं कभी? जनता को क्या अपील कीजिएगा जनता से आप? विकास करेंगे, बोल आवाज में बोलिए। जनता से की यहाँ अपील कर लिए वोट को भी जनता के दे के ले। सब कौन पद से नामांकन के लिए? तो भाई जय हमारे पत्नी मुखिया पद से। कौन पद से नामांकन के लिए? मुखिया पद से। के केलखिन? अमर पत्नी। पंचायत के जनता से किछ अपील? हाँ, हमारे यह जे हम जत काज कलो हाँ एमे जनता हमर खुशी छे, और जे किछ बात काज छे से हम जनता के लिए समर्पण छी और करित रहबे। हम जते कोनो काज कलो तेमे जनता के लिए हम कतो कोनो तरह के धोखाबाज काज नहीं के लिए हैं, जनता के संग हम छी। जखन कोनो विपत्ति पड़े हमरा संग जनता के संग हम उस रात बिरात हम उस समय गेलिए हैं और हुनकर काज हम केलिए हैं। हम सिपाही के रूप में जनता के संग हम काज केलिए हैं और सदा करते रहबे।